आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर आज सुबह से ईडी की छापेमारी चल रही है और ये छापेमारी कथित शराब घोटाले के मामले में हुई मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर है। लेकिन आज दिल्ली के तमाम बड़े चौराहों पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस तरह के होर्डिंग और बैनर जो है लगा दिए गए हैं और इसमें ये आरोप लगाया गया है कि शराब घोटाले के सरगना केजरीवाल के साथी बने सरकारी गवाह, केजरीवाल इस्तीफा दो। और इसको लेकर आज एक बड़ा प्रदर्शन सुबह 10 बजे जो है वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर किया जाएगा। हम आपको बता दें कि कल ही ईडी वाले मामले में दो जो आरोपी हैं वो सरकारी गवाह बने हैं, जिसमें पहला नाम राघव मुंगटा का है जो कि एक सांसद के बेटे हैं। इसके अलावा दिनेश अरोड़ा, इन दोनों को जो है सरकारी गवाह बनाया गया है, यानी कि कोर्ट की भाषा में अप्रूवर बने हैं। और उनके बाद अप्रूवर बनने के बाद तमाम डिटेल्स संभवतया जो है वो एजेंसी को मिली है, जिसके बाद से ईडी आज सुबह 6 बजे के बाद से ही संजय सिंह के घर पर सर्चिंग कर रही है। हालांकि इस मामले में अभी तक किसी को कोई समन नहीं दिया गया है, लेकिन जाहिर तौर पर दिल्ली में मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, सत्ता की आम आदमी पार्टी, जिसके तमाम मंत्रियों और अधिकारियों पर साथ ही साथ शराब नीति में घोटाले करने का आरोप लगा है, आज उनको प्रदर्शन के जरिए घेरने की कोशिश करेगी।